दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 जून को जैसे ही सुशांत को लेकर ये मनहूस खबर आई तो हर टीवी न्यूज़ में इसे बड़े सनसनीखेज तरीके से दिखाते हुए तरह तरह की ड्रामेटिक हेडलाइंस के साथ ये खबर दिखाई गई कि जीवन की जंग हारे सुशांत, सुशांत का विकेट गिरा, सुशांत को एक कायर का नाम दे दिया गया कि अपनी ज़िंदगी से हार कर सुशांत ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और फिर ये खबर टीवी न्यूज़ चैनल से बाहर हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत को लेकर आवाज़ उठती रही और इतनी बुलंद हुई कि सीबीआई के आने के बाद सभी न्यूज़ चैनल्स ने एक बार फिर से सुशांत केस को इस तरह लपका कि टीआरपी की एक होड़ सी मच गई। लेकिन शायद उन सबको सुशांत के इंसाफ से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने से मतलब था और इसीलिए ही अब सुशांत केस को लेकर किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल पर कोई बात नहीं हो रही। वहीं सीबीआई भी इस मामले पर चुप है और अब सीबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस जोश के साथ हम सब ने ये मुहिम शुरू की थी वो जोश इतनी जल्दी ठंडा पड़ जाएगा सोचा नहीं था दोस्तों। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाते रहेंगे, सीबीआई पर दबाव बनाते रहेंगे, तभी शायद हम सुशांत को इंसाफ दिला पाएंगे दोस्तों। वरना सीबीआई तो इसी इंतज़ार में है कि हम सब थक हार कर गिव अप कर दें और वो चुपचाप सुशांत की फाइल बंद करके निकल लें। मगर क्या आप ऐसा होने देंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।